श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं, चूंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन एक बार फिर हुई गुस्से में लाल। अपने पति अमिताभ बच्चन का नाम सुनते ही भड़क गई जया बच्चन। राज्यसभा में जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन यानी अपने पति के नाम पर ही कर डाला बड़ा हंगामा। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस फर्जी चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। भाई अमिताभ बच्चन यानी बिग बी की पत्नी जया बच्चन को कौन नहीं जानता। जया बच्चन वो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो अपनी काम से ज्यादा, जो अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने गुस्से के लिए बदनाम हो रखी है। और हाल ही में तो जो जया बच्चन ने कर दिया है उसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। जी हाँ, राज्यसभा में जब जया बच्चन को श्रीमती जया अमिताभ बच्चन कहकर बुलाया गया तो अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन गुस्से में भड़क गई और साफ राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन पर भी चिल्लाने लगी और साफ कह डाला कि आज के बाद मुझे कभी भी मेरे पति यानी अमिताभ बच्चन के नाम से ना बुलाया जाए। अभी पूरी खबर क्या है वो बताने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, बिग बी की पत्नी जया बच्चन कभी किसी वक्त में अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से जया बच्चन का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जया बच्चन हर जगह खास करके मीडिया के ऊपर भी चिल्लाती हुई नजर आती है। लेकिन इस बार तो हद ही पार हो गई। अब तो राज्यसभा में भी जया बच्चन का यह गुस्सा साफ दिख रहा है और गुस्सा भी किसी छोटी मोटी बात पर नहीं, गुस्सा भी इस बात पर कि आखिरकार क्यों जया बच्चन को अमिताभ बच्चन की पत्नी के तौर पर संबोधित किया गया। दरअसल अभी पूरा मामला क्या है मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं, चूंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। बड़ी विशिष्ट ये जो नया शुरू हुआ है। जी हाँ, हाल ही में जया बच्चन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो है राज्यसभा का, जहां पर समाजवादी पार्टी की एमपी यानी जया बच्चन को बोलने का मौका देना था। जैसे ही राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने जया बच्चन को बोला कि अब उनकी बारी बोलने की और उन्होंने संबोधित किया, उन्होंने कहा कि श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी अब आप कुछ बोलिए, अब आप अपनी स्पीच शुरू कीजिए। जैसे ही राज्यसभा में मौजूद जया बच्चन ने सुना कि उनको जया बच्चन न बोलकर श्रीमती जया अमिताभ बच्चन बोला जा रहा है यानी उनके पति के नाम से उनको पुकारा जा रहा है, तो गुस्से में लाल हो गई। जया बच्चन सबसे पहले उठकर खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि अगर आप चेयरमैन साहब, अगर आप मुझे सिर्फ और सिर्फ श्रीमती जया बच्चन भी बोलते तब भी ठीक था। तो फिर उन्होंने सफाई से पहले की जो डिप्टी चेयरमैन है वो सफाई अपनी पेश करते से पहले ही जया बच्चन ने बोल दिया कि आजकल एक ट्रेंड सा चल रहा है, न जाने क्यों हर कोई दुनिया वाले औरतों को उनके काम की वजह से नहीं जानते, औरतों को उनके पति के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ऐसा दिखाया जाता है कि औरतों की कोई हैसियत ही नहीं है, औरतों की कोई वैल्यू ही नहीं है, औरतों ने अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं, इसलिए हर औरत को उनके नाम से कम और उनके पति के नाम से ज्यादा जाना जाता है और यही इस वक्त मेरे साथ किया गया। आपको बता दें कि सिर्फ ये छोटी सी बात थी, इसके लिए इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं थी। जो डिप्टी चेयरमैन थे श्री जो हरिवंश नारायण सिंह थे, उन्होंने बड़ी ही इज्जत के साथ जया बच्चन को बोलने का मौका दिया और उन्होंने सिर्फ ये बोला कि आपका लिस्ट में नाम भी श्रीमती जया अमिताभ बच्चन के नाम से है, इसीलिए मैं आपको पूरी इज्जत के साथ श्रीमती जया अमिताभ बच्चन ही बोल रहा हूँ। लेकिन इतनी सी बात पर जया बच्चन इतना ज्यादा भड़क गई, उनको कहना है कि मुझे अमिताभ बच्चन के नाम से यानी मेरे पति के नाम से क्यों बुलाया जा रहा है, मेरे खुद के नाम से जया बच्चन के नाम से क्यों नहीं बुलाया गया। इतनी छोटी सी बात पर जया बच्चन ने बहुत ज्यादा हंगामा कर दिया। ये वीडियो भी आज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जया बच्चन का। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है जब जया बच्चन का इस तरह का गुस्से का कोई रवैया या गुस्से का एटीट्यूड देखने को मिला हो। इससे पहले भी कई बार मीडिया के ऊपर भी जया बच्चन कई बार चिल्लाती हुई नजर आती है, कई बार फोटोग्राफर्स पर भी गुस्सा निकालती नजर आती है, सोशल मीडिया पर भी बहुत बुरी तरह से जया बच्चन को ट्रोल किया जाता है। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन का जो अमिताभ बच्चन का घर छोड़ने का, जो अपना ससुराल छोड़ने की बड़ी वजह है, वो भी कहीं ना कहीं जया बच्चन ही है। जया बच्चन के इसी गुस्से वाले बिहेवियर की वजह से, इसी गुस्से वाले बर्ताव की वजह से, इस गलत बर्ताव की वजह से ही ऐश्वर्या राय बच्चन, उनकी बहू, उनका घर छोड़कर चली गई है। क्योंकि जया बच्चन लगातार ऐश्वर्या राय बच्चन को जब उनके घर में थी बहू के तौर पर, उनको भी बहुत ताने मारती थी
और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आज अगर ऐश्वर्या यानी उनकी बहू और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की जो तलाक हो रहा है, जो तलाक की खबरें आ रही हैं लगातार, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जया बच्चन का यही गुस्सा है। अब जरा सोचिए, अक्सर औरतों को गर्व महसूस होता है जब वो अपने पति के नाम से पुकारी जाती हैं, लेकिन जया बच्चन का गुस्सा इस हद तक पार हो चुका है कि जैसे ही उनके नाम के आगे अमिताभ बच्चन का नाम जुड़ता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। फिलहाल इस पूरी खबर में आपकी क्या राय है, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।